देखिए जरा आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इफ सेम मेटल इज एक्ट एज एनोड एंड कैथोड डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी यूज करनी पड़ती है। अब इसमें आप नोटिस करें अगर तो Fe एक है यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल करके देखिए कितना आ रहा है +6 आ रहा है, दूसरा Fe+3 है Fe+2 है और आपसे पूछ रहे हैं Fe+6 से Fe+2 के लिए, ठीक है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप वो अपना ई कैथोड ई एनोड वाला नहीं यूज कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा Fe6 से Fe3 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ्ट में जुड़ गए और हमको जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज 2.21 वोल्ट्स, ये हो गया। फिर आपका सेकंड है Fe+3 से Fe+2 हो रहा है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो इसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया और इसे E1 अगर बोला था तो इसे E2 बोल देते हैं, 0.77 वोल्ट, ठीक है। तीसरा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पूछा उन्होंने कहां से कहां तक के लिए, Fe6 से Fe2 के लिए पूछा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आ रहा है? 4 का। इस तरीके से हमारी 3 इक्वेशन बनती हैं और इसे हम E3 बोल दे रहे हैं जिसे हमें फाइंड करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब मैंने कहा इसे गिब्स फ्री एनर्जी से करते हैं तो अगर आपको याद आता हो तो गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन ΔG0 -NFE होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, थर्मो में भी आया था? नहीं सर। नहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हैं सर, ये बाकी है थर्मो में? नहीं मतलब ये चैप्टर में। नहीं ये चैप्टर में तो मैं करा ही रहा हूँ पर मैं पूछ रहा हूँ थर्मो में था ये? नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पहले वाले के लिए हम ΔG1 फाइंड करेंगे, दूसरे के लिए ΔG2 फाइंड करेंगे, तीसरे के लिए ΔG3 होगा और हमारा जो रिलेशन आएगा ΔG3 = ΔG1 + G2 होगा, ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो
तो पहले के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको, तीन है। एफ को कांस्टेंट रहने वाला है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3F × 2.2। समझ आ रहा है ये? क्यों भाई? गाइस समझ रहा है कुछ क्या किया है मैंने? यस सर। इसमें एफ क्या है? हाँ जी सर, इसमें एफ क्या है? एफ फैराडे कांस्टेंट। ओके, एन हो गया 3F × 2.2, ये हमारा हो गया। सेकंड पे हम आते हैं, इसके लिए हम डेल्टा G2 फाइंड कर लेते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है F × 0.77। तीसरा हमारा डेल्टा G3 है जिसमें चार इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं × E3, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या है कि हमने आपको ऐसा भी बोला कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू क्या होगा, G1 + G2, क्योंकि इसका सम करने से ही 3 आ रहा है। इनका सम कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 4F × E3 इज इक्वल टू 3F × 2.2 + 1F × 0.77। बताइए भाई मैच हो रहा है सही कि नहीं है? हाँ yes, sir. इसे सॉल्व करना है हमको। एफ को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें। यस सर। E3 क्या बचेगा हमारे पास, 3 × 2.2 + 1 × 0.77/4, तो आपका ये 1.84 आ जाएगा। समझ में आया? बोलिए भाई। यस सर। कर लीजिए इसको कॉम्प्लीट। सर डेल्टा जी थ्री इक्वल टू 1 + 2 कैसे, मतलब क्यों किया भाई? आप ध्यान से देख नहीं रहे थे इसका मतलब। +6 से +3 हो रहा है। यस सर। +3 से +2 हो रहा है। yes. और आप पूछ रहा है +6 से +2, तो बताइए क्या रिलेशन इनके बीच में? यस सर, व्हाट इट हो गया सबका? सर वेट, you
Done? Yes. मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए. देखिए जरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको फाइनल ई नॉट सेल निकालना है सी यू प्लस टू से सी यू के लिए. स्टार्ट करिए. ठीक है वरुण, आपका आंसर.
मैच कर रहा है भाई? यस। सबको समझ आया? यस। इनको कॉपी करना है कर लीजिए फटाफट। कॉपी हो गया? यस। ठीक है।
देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन सेल स्टार्ट किया है, दो तरीके का है, एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोड सेम होंगे, सेम इलेक्ट्रोड हैं, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट। तो हमने ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाया एनोड कैथोड, एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और एक का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। आप देखिए दोनों ही HCl हैं, यानी दोनों से ही HIN हमको मिलने वाला है, इन कॉन्सेंट्रेशन दोनों के अलग अलग हैं। एनोड पर जैसा ऑक्सीडेशन आपको दिखाया, हाइड्रोजन का 2H प्लस हो रहा है, C1 है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है 2H प्लस C2, दो इलेक्ट्रॉन दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड प्लस कैथोड लिख देंगे, ये बन जाएगी आपकी सेल रिएक्शन एड हो करके, ठीक है। इसे हमने नेक्स्ट इक्वेशन में रख दिया, E cell is equal to E naught cell plus 2.303 RT NF upon HC2 upon C1 लिखा है मैंने, यानी कि उसको उल्टा करके लिख दिया है। क्यों उल्टा करके लिखा वो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। E naught cell हमारा जीरो होगा, कोई बता सकता है E naught cell क्यों जीरो होगा? क्यों भाई E naught cell जीरो क्यों होगा, कुछ आइडिया किसी को? क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है दोनों, इसलिए जीरो होगा, दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। एन आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ आपका 96500 होता है कूलम, और टेम्परेचर 298 केल्विन। इसे कॉपी कर लीजिए, इसके आगे का मैं बताता हूँ। सर सेल रिएक्शन उल्टा भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, देखिए जरा कंडीशन क्या है। C2 अगर C1 से ज्यादा होगा तभी सेल में पोटेंशियल डेवलप होगा, एक बात। दूसरा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो लेस होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमको जरूर मिलते हैं। पहला कंडीशन रिपीट कर, पहला कंडीशन तो सिंपल है, C2 बाई C1 होना चाहिए, मतलब C2 शुड बी मोर देन। आपने इसे एनोड यहाँ पे बोला है, इसे आपने कैथोड बोला है, तो भाई कैसे बोल दिया आपने, तो इसका मतलब पक्का ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमें एनोड कैथोड बनाते समय सब चीजों का ध्यान रखना है। C2 अगर ज्यादा होगा तभी पोटेंशियल डेवलप होगा, अगर कम हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा।
सर नर्स्ट इक्वेशन में तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना. बिल्कुल सही, हमने देखिए साइन चेंज कर दिया है, यहाँ दिख रहा है आपको साइन दिख रहा है आपको? यस सर. वहाँ नेगेटिव होता है, चेक करिए जरा. यस सर. हाँ तो जब आप इसको पलट के लिखोगे तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ. ये इसलिए क्या, ताकि हम आपको बता सकें कि न्यूमेरिकल करते समय आपको इजी हो जाएगा. सी टू क्योंकि ज्यादा होगा तो जो न्यूमरेटर है वो बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कैलकुलेशन इजी होगा. वो अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं. डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ डेवलपमेंट. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ईएमएफ बढ़ता जाएगा. सर ये आपने सेकंड पॉइंट जो लिखा कहाँ पे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. हाँ जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा ये में बढ़ता जाएगा. मतलब किसका सर इसमें डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन है क्या जी? मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही है. हाँ हाँ हाँ
देखिए जरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट इलेक्ट्रोड्स का डिफर है। यहाँ पर आप देखिए HCl का सेम है, H2 का P1 लिया है, H2 का P2 लिया है। सर ये नोटेशन अलग वाला, क्या चीज ये नोटेशन? हाँ वो अलग, मतलब यहाँ पे वो हाफ सेल वाला नहीं है? नहीं वही है, लेकिन आप पीछे प्रीवियस के साथ कंपेयर करिए जरा इसको। जब इलेक्ट्रोड सेम है या जो चीज वेरिएबल है उतना ही तो मेंशन करेंगे, बाकी चीजें मेंशन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, पर मेटल नहीं है ना उस तरीके का कि हम उस तरीके से आयन के फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ देखो रिएक्शन में आपको दिखाया है उस चीज को, एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखाया है, कैथोड पर रिडक्शन दिखाया है, जो चीज वेरिएबल है वो बस इतना है, बाकी चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये हमारा बना, हमने इसे नेक्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फिर से वही देखो, आप बोलोगे हम यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है तब हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, हमने पॉजिटिव साइन लिखा रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कर दिया। ऐसा बार बार हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आपको बता पाए कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा लाना है हमको। इनोड सेल जीरो होगा अभी भी, एन आपको दो दिख रहा है, एफ का वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, 298 पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा इक्वेशन बन गया। फिर से वही हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर वाला जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, दूसरा आपका कैथोड की तरह काम करेगा, तभी आपका ईएमएफ जनरेट होगा। सर दोनों में आपने अलग अलग क्यों लिखा सेल रिएक्शन, मतलब उल्टा? कहाँ पे? पहले वाले में। क्या पहले वाले में? क्या चीज आप कह रहे हो? ऊपर वाले में आपने कैथोड कंडीशन है बेटा, अलग अलग नहीं है, वो कंडीशंस हैं। दोनों सेल अलग हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी भी तो अलग होगी, तो दोनों के फॉर्मूलेज अलग होंगे। सबका फॉर्मूला एक थोड़ी ना हो सकता है। सेल रिएक्शन की बात कहाँ पर डिफरेंस है मुझे समझाइए, आप क्या चीज कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहा आपकी बात। एक बार ऊपर स्लाइड करो, बोलिए। इसमें आपने कैथोड से एनोड किया है ना सेल रिएक्शन का नोटेशन? कैथोड से एनोड किया है मतलब? हाँ अरे शिट यार, कहाँ कैथोड से एनोड किया है? लेफ्ट पे एनोड राइट पे कैथोड लिखा है अभी भी? सेल रिएक्शन ये कह रहे हैं? हाँ ये दोनों को जरा ऐड करो, एनोड और कैथोड को, तो कैसे बन रहा है? लेफ्ट पे C2 आ रहा है कि राइट पे C2 आ रहा है? ऐड करो दोनों को। यस सर। नीचे ऐड करो जो नीचे लिखा है उसमें भी ऐड करके जरा देखो, यहाँ पर ऐड करो। अच्छा दोनों उल्टा, ओके ओके। कह रहे ना जब फैक्टर्स ही अलग है तो अलग ही दिखेगा ना। हाँ यस सर। करिए कॉपी।
हो गया कॉपी? यस सर।
देखिए जरा, कॉमर्शियल सेल है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो वन टाइम यूज होता है, जो आपके घरों में वॉल क्लॉक में लगा है या आपके रेस्ट वॉच में लगा हुआ है या रिमोट में लगा है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी जिसे आप बोलते हो. ड्राई सेल, डेनियल सेल कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी सबसे कॉमन है. मैंने यहाँ ड्राई सेल का एक डायग्राम आपको बनाया है आइडिया के लिए. जिंक का एनोड, कार्बन का कैथोड यूज होता है इसमें. MnO2 और अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट है. ऊपर ब्रास का कैप है. ये वही सेल बैटरी है जो रिमोट में आप यूज करते हैं. अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि वो एडवांस फॉर्म है और ये ओल्ड वर्जन है. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, 1.5 वोल्ट EMF जनरेट होता है. इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, एनोड कैथोड का रिएक्शन पूछा गया है, यहाँ जो अमोनिया गैस निकलती है उसके बारे में पूछा गया कि अगर अमोनिया रिलीज हो रही है तो अमोनिया का स्मेल क्यों नहीं आता. तो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जिंक के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है यहाँ पे. इसलिए क्या है कि बैटरी खत्म हो जाती है, एनोड और कैथोड कंज्यूम हो जाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होता है कि बाहर? क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइट अंदर, कैथोड के अंदर. हाँ, कॉपी हो गया? दो मिनट. सर वो MnO के बाद क्या लिखा? MnO प्लस अमोनिया.
देखिए जरा, सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट ये पूछा गया है, बैटरी का इक्वेशन है ये, नीचे डिस्चार्ज इक्वेशन है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो PbSO4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जब बैटरी रिचार्ज होती है तो ये PbSO4 क्या है, वाटर से रिएक्शन करके इन आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो कोई भी एक इक्वेशन याद रखिए, उसका रिवर्स होगा, एक प्लेट से 2 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट होता है, EMF जो है वो 2 वोल्ट होता है, ठीक है। ये वो बैटरी है जो आपकी इन्वर्टर्स में यूज होती है या UPS में या कार वगैरह में यूज होती थी। आपसे पूछा ये भी गया है कि जो हम लोग, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, बैटरी में पानी डाला जाता है, पता है आपको, क्यों भाई, सुना है कि नहीं सुना आपने, बैटरी में पानी डाला जाता है? Yes. हाँ कि ना? हाँ सर। तो जिसे पानी बोलते हैं, उस पानी का क्या रोल होता है? तो यहाँ पर H2SO4 प्रेजेंट होता है, जो थोड़े टाइम के बाद कम हो जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कम हो जाता है, तो हम पानी डालते हैं तो थोड़ा बहुत ये वर्क करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, वाटर यूज करने से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जब एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है तो फिर से हमको एसिड डालना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि पानी डालने से बैटरी चल रही है, बैटरी H2SO4 से चलती है, और ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ये कंज्यूम होता रहता है, ठीक है। तो आप जितना भी रिचार्ज करें पर उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। फिर दूसरी बैटरी है निकेल आयन और एडिसन बैटरी बोलते हैं, इसमें FeFeO का एनोड है, आपके लेफ्ट में लिखा है, राइट में मैंने कैथोड लिखा है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में KOH और NiO यूज किया जाता है, आपको इसकी इक्वेशन याद रखनी है, डिस्चार्ज और चार्जिंग की इक्वेशन है ये। ये और एडवांस बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी बोलते हैं, कैडमियम और निकल यूज किया जा रहा है एनोड कैथोड के तरह। ये इसकी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग इक्वेशन है, EMF 1.35 इसका भी होता है और इसका भी 1.35 ही है, पर ये और एडवांस है और ये एक्सपेंसिव भी होती है निकल कैडमियम, क्योंकि कैडमियम एक्सपेंसिव है इसलिए एक्सपेंसिव बैटरी से ज्यादा, मतलब क्या चीज सी वाला बेटर क्यों ज्यादा? कैडमियम है ना, कैडमियम क्या है कि रिएक्टिविटी कम है तो लाइफ ज्यादा हो जाती है, अगर कोई एलिमेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम रखेगा तो उसकी लाइफ ज्यादा है। भाई कोई भी रिचार्जेबल बैटरी पर वो फिर भी खराब होती है ना, अपने मोबाइल की बैटरीज भी खराब होती है कि नहीं होती है? यस सर। हाँ, तो रिचार्जेबल है तो भी खराब होती है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल यूज हो रहा है वो कभी तो कंज्यूम होगा ना। Fe के कंपैरिजन में कैडमियम जो है वो एक्सपेंसिव होता है।
हो गया भाई? यस
दो मिनट रुक जाइए, बाद में लिखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, कम से ज्यादा की तरफ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन का जीरो होता है और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड है। गोल्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू है 1.5 गोल्ड। स्टेबल का यूज बहुत सारी जगहों पर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो केमिकल रिएक्शंस में होता है। हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट से उसे रिमूव कर सकता है, यानी लिथियम कैन रिमूव एनी एलिमेंट बिलो द लिथियम इन द सीरीज फ्रॉम दियर सॉल्ट, उसके सॉल्ट से उसे रिमूव करने या रिप्लेस करने का काम करता है। Mg के ऊपर, above Mg in the series, decompose water at ordinary temperature. Mg के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं वो विदाउट हीटिंग वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जबकि Mg से लेकर के Fe तक, मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, जो सभी जो है हाई टेम्परेचर पे वाटर से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हमें पता चलता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उतना ऑक्साइड का स्टेबिलिटी होता है। आपके ये ऑक्साइड बहुत कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होती है। ठीक है, करिए। So, वो ब्रैकेट में क्या लिखा है, लीस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ, क्या बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा ना लीस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ, आगे का बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मतलब ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना, ये इसको रिलेट किया है। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, सबसे नीचे गोल्ड है, अगर आपके पास गोल्ड का ऑक्साइड है, अब इसे हीट कर दीजिए, हीट करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही टूट जाएगा, क्यों, सबसे नीचे है, तो यहाँ पे जो बात बताई गई है उसी का एप्लीकेशन है ये।
because of same reason. हो गया ये डन यस आपको ये एलिमेंट्स ए बी सी डी ई जो है अरेंज करने हैं हाइड्रोजन के साथ की रिएक्टिविटी सीरीज है ईसीएस में कैसे अलाइन्ड है.
वरुण सेम फॉर बोथ आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है? आप आंसर तो आप दो, सेम फॉर बोथ क्या? मीन्स राहिल जैसे सेम आंसर आया। क्या चीज बेटा? मतलब राहिल ने जैसा आंसर पोस्ट किया सेम वही आया। अच्छा बाकी लोग भेजो भाई जल्दी। मैच कर रहे हैं आंसर्स दोनों के? बोलिए भाई। यस सर। समझाए सबको? यस। देखिए क्वेश्चन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको बताना है कैलकुलेट मास ऑफ बेंजीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, करंट एफिशिएंसी 50% है। करिए ट्राई जरा।
हुआ भाई, 3 ग्राम तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे जरा, आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये -1 है और ये +4 है, तो डिफरेंस जो है वो 4 का आता है, लेकिन टोटल 6 कार्बन है, इसलिए 6 और 1 = 5, एन फैक्टर आपका 30 आएगा। तो आपको इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। मॉलिकुलर वेट बाय 30 इंटू 1 एम्पियर करंट, 3 आवर्स, मतलब 3 × 60 × 60। सर एन फैक्टर तो 5 ही आना चाहिए ना खाली, 96500। भाई एन फैक्टर 5 कैसे आएगा, कितने कार्बन है बेंजीन में? सर दोनों साइड 6 कार्बन ही है ना मेरे भाई, वो बैलेंसिंग अलग चीज होती है। आपको बेंजीन का निकालना है तो 6 कार्बन का ही निकालना पड़ेगा, रिएक्टेंट का मोल डिसाइड करता है। यस सर, किया नहीं है क्या आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक? इसे सॉल्व करेंगे आप तो 0.29 आएगा, फिर 50% एफिशिएंसी है, तो 50% का मतलब क्या होगा, अगर करंट एफिशिएंसी 50% है तो मास क्या हो जाएगा, डबल। तो 0.29 × 2 ये आना चाहिए आंसर, 0.58। इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट पर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो सब लोग अपना मॉड्यूल करके रखें, चैप्टर फिनिश हो गया है, दिस इज योर होमवर्क। समझ आ रहा है? यस सर। सर फ्यूल सेल्स वगैरह क्या जी? फ्यूल सेल, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलेंगे? फ्यूल सेल। कौन सा सेल? फ्यूल, फ्यूल सेल। आपको सिर्फ एग्जांपल से याद रखने हैं उसके लिए, और कुछ नहीं करना है। अच्छा ओके सर। हाँ सिर्फ एग्जांपल से याद रखने हैं, मॉड्यूल में आएगा क्वेश्चन तो फिर हम डिस्कस करेंगे वहां पे, तो कुछ नहीं, सिर्फ एग्जांपल से याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है सबको होमवर्क? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय।